हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. वेलकम टू MKN आर्ट. मी मिसेस अमृता श्रीवास्तव. टुडे I'm coming for today's mega workshop, first day. Okay, आज मेरी mega workshop का first date है. Okay, तो आप सभी जल्दी जल्दी आ जाइए and message send करिए ताकि मुझे पता चले आप लोगों को मेरी voice एकदम clear है. Sorry, मैं 5 minutes late हूँ. I don't know what is happening on my mobile. It is not starting yet. Okay, तो start ना होने के कारण ही मैं नहीं हो पाई. Hello नीलिमा मैम. ओके, तो आप सभी आ जाइए जल्दी जल्दी, हम अपना सेशन शुरू कर सकें. ओके, सो राइट नाउ 5. ओके, तो आज जो है हमारी जो पेंटिंग बनाएंगे हम, उसके लिए हम टेक्सचर वर्क करेंगे, क्योंकि जो हमारी ओमकारा पेंटिंग बनने वाली है उसके लिए टेक्सचर है. हेलो जानवी मैम. हेलो, गुड आफ्टरनून सुनीला मैम. हेलो नीलिमा मैम. ओके, सो इस तरह का टेक्सचर वर्क हमें पहले करना होगा. सी, आपको क्लीन दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा रफ है, और इस तरह के टेक्सचर पे ही हम अपना पेंटिंग को बनाएंगे. ओके, दिस इज़ माय MDF बोर्ड. ओके, ये मेरा MDF बोर्ड है और मैं इसी पर ही अपना वर्क करूँगी. तो सबसे पहले बोर्ड प्रिपरेशन के लिए मैंने एक स्ट्रिप ली है. ये मेरा MDF बोर्ड का एक छोटा सा पीस है. ओके, ये दिस इज़ द पीस. ओके, एक छोटा सा पीस है. मैं ना सिर्फ आपको इस ओमकारा पेंटिंग के थ्रू सिर्फ एक टेक्सचर नहीं, मैं कई पैटर्न्स के आपको टेक्सचर्स सिखाऊंगी. आपको सिर्फ करना ये है कि वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है पेज को, और कुछ भी नहीं. ओके, तो मैं आप लोगों को ये टेक्सचर्स बनाना बताऊंगी. डिफरेंट टेक्सचर्स मैं एक ब्लॉक वाइज आपको समझाऊंगी. आपको जो भी टेक्सचर्स पसंद आता है आप उसमें अपनी पेंटिंग बनाइए. मुझे जो टेक्सचर्स, जो भी आपको टेक्सचर पसंद आएगा आप उसमें ही अपनी पेंटिंग्स बनाएंगे. ओके, तो इसके लिए मैंने ये चॉक पाउडर लिया है. ये नॉर्मली आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा. अगर आपके पास चॉक पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मली PUP भी यूज़ कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास चॉक पाउडर नहीं है तो आप क्या यूज़ करें, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. और हाँ, ये क्या होता है, इसमें एकदम पाउडर फॉर्म होता है. ओके, ये चॉक पाउडर है एंड PUP भी इसी तरह से रहता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं. अगर ये दोनों नहीं हो तो आप मार्बल डस्ट भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो ये तो हो गया आपके जो आपको लेना है बेस उसके बारे में. ओके, एंड फॉर द टेक्सचर दिस इज़ माई फेबिकॉल, दिस इज़ कॉल्ड द MR फेबिकॉल. ओके, ये लेना है आपको एंड ऑब्वियसली चॉक पेस्ट एंड अ बिट ऑफ वाटर. ओके, तो इस तरह से आपको अपना चीज़ें लेनी है. और चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना पेस्ट तैयार कर लेते हैं. ओके, तो इसके लिए मैं पहले पेस्ट बनाऊंगी. तो आप क्वांटिटी देख लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आए कि हमको कितनी क्वांटिटी लेनी है और किस तरह का टेक्सचर बनाना है. मैं अपने अंदाज़न ले रही हूँ. आप चाहते हैं तो ये तकरीबन, अगर आप टीस्पून लेंगे तो ये तकरीबन 2 teaspoon है, 2 and a half teaspoon समथिंग है. ओके, तो मैंने ऐसा कुछ मेज़र नहीं किया है. आप चाहें तो मेज़र करके बनाइए, अदर देन आप इसी तरह से जैसे मैंने लिया है आप अंदाजन भी कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं इसमें लूँगी अपना MR फेब्रिकॉल. अब ये MR फेब्रिकॉल आपको अपनी जितना आपको रखना है उस हिसाब से लेना है, कि आपको कितना टेक्सचर को कितना आपको लिक्विडी रखना है, कि किस तरह से करना है, वो आप पर डिपेंड करता है. तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ. ओके, तो जो लोग भी लाइव आ गए हैं तो प्लीज़ जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को और इन्जॉय करिए आज का फ्री सेशन.
हमारा आज फर्स्ट डे है ओमकारा पेंटिंग का, तो आज मैं आपको टेक्सचर्स बताऊंगी। जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं तो मैं उनको फिर से बता देती हूँ, आज मैं आपको टेक्सचर्स बताऊंगी। नॉट इवन केवल एक प्रकार का टेक्सचर, ऐसे मैं 4-5 प्रकार के टेक्सचर्स बताऊंगी आपको बनाना। आपको जो जिसमें भी कन्वीनियंट लगे वैसा आप टेक्सचर सेलेक्ट करिए और उसमें बनाइएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये स्ट्रिप फॉर्म में लिया है ताकि मैं आपको अलग 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 टेक्सचर्स बता सकूं, क्योंकि टेक्सचर्स एक वो चीज़ होती है जिसमें बहुत खूबसूरत लगती है पेंटिंग्स, चाहे आप एक्रेलिक करो, चाहे आप ऑयल करो, जो भी आप करना चाहते हो। मैं थोड़ा सा और एम्बर फेबिकॉल ले रही हूँ, ठीक है। कोशिश करें कि पानी की मात्रा एकदम नॉमिनल और फेबिकॉल जो है आपका उसकी मात्रा अच्छे से रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी हम टेक्सचर्स बना रहे हैं ना, एक बोलते हैं टफनेस होती है, तो वो बहुत अच्छी होती है। अभी ये देखो, ये जो है ना, ये मैंने ले लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जरा सा, ओके। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जितना मुझे चाहिए उतना। तो ये समझ सकते हैं कि मैंने इसमें वाटर लिया है, क्योंकि मैंने चॉक पाउडर लिया था 2.5 टीस्पून, और मैंने फेबिकॉल भी बराबर से 1:1 का रेशियो रखना है, ओके। तो आप उतना रेशियो रखिए और उस हिसाब से इसे बनाते जाइए, ओके। ये देखिए, बहुत अच्छे से आप इसे फेंटिए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, ठीक है। ये देखिए, इसकी टेंडेंसी इतनी, ठीक है। अभी अब करना क्या है, एक्चुअली चॉक पेस्ट क्या होता है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको जल्दी ड्राई करना है तो आप फ़ैन के नीचे रख ले रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। इसे अपने ही उसमें होने दीजिएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अपने जो है ना, जो मैंने MDF बोर्ड लिया है, उसको मैं थोड़ा सा पार्टीशन में डिवाइड कर लूँ, ताकि मुझे आपको ईजिली बताना, ईजिली समझ में आपको आ जाए, और एक नहीं कई तरह के पैटर्न्स आपको समझ में आए, ओके। तो सी, मैंने इसे पार्टीशन कर लेना है। मैं एक प्रकार का इसमें समझाऊंगी, इस तरह से मैं आपको डिवाइड कर देती हूँ, ताकि एटलीस्ट 4 टाइप्स ऑफ द टेक्सचर वर्क आई विल एक्सप्लेन हियर, ठीक है। ये रहा, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा, गुड आफ्टरनून रूपाली मैम। तो ये देखिए, आपको लोगों को अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं साइड कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने सिंपल एक नाइफ ले रखी है, जो मेरी ओल्ड नाइफ थी, और इससे मेरी किचन का काम इजी नहीं होता था, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये ज़्यादा शार्प नहीं है ये नाइफ, तो आपके पास जो भी है, स्पून है या इस तरह का नाइफ है, अदरवाइज आप पैलेट नाइफ भी ले सकते हैं। तो मैंने एक जो ब्लॉक तैयार रखा है, मैं उसको पार्टीशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का आपको टेक्सचर बताना है। तो मैं अब थोड़ा सा अपना जो है ना, इसे जूम करूंगी ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, ओके। सो आई जस्ट वांट टू फोकस हियर एंड जस्ट, ठीक है। अभी अब आपको यहाँ पे अच्छे से नजर आएगा, ये आपको दिख रहा है किस तरह से लाइन्स आए, ये एक प्रकार का टेक्सचर्स है, ठीक है। अभी अगर मुझे इसी को ही क्रॉस करना है तो मैं यहाँ से इस तरह से, इसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको एज इट इज रखना है, ये अपने आप ये टेक्सचर बनेगा। सी, ये आपका एक टेक्सचर है। आप किसी भी पेंटिंग को बना रहे हैं, आउटसाइडर कुछ चीज़ें देनी है या कुछ आपको डिज़ाइन देना है, डेकोरेट करना है, आप उसमें भी ये टेक्सचर कर सकते हो। मैंने वैसे भी अपनी एक सेपरेट क्लास एक कॉल की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि
मैं आपको टेक्सचर मेकिंग ज़रूर बताऊंगी। तो आज ही हमारा जो ओमकारा पेंटिंग बनने वाला है उसके फॉर्म में मुझे आपको टेक्सचर पेंटिंग बताने का मौका मिला है, तो मैं आज आपको बहुत सारी टेक्सचर्स बताऊंगी। ओके, तो ये देखिए, अभी अगर आपकी जो है आपकी लिक्विड की टेंडेंसी इससे थोड़ी सी टफ, इससे थोड़ी सी अगर डार्क भी होगा या सॉरी थोड़ा थिक भी होगा ना तो भी चलेगा। तो इसमें क्या है, जो ये जो मेरा जो थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है ना, ये उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आप वो भी रख सकते हो, थिक रख सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा थिक भी करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, आप इसमें ज़रा सा अपना पाउडर बढ़ा देना, चॉक पाउडर, ठीक है। ये देखिए, सिंपली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टेक्सचर वर्क, अभी इसका जो मैंने थिकनेस बढ़ा दिया है, ठीक है। अभी जो थिकनेस बढ़ाया वो मेरी एक डिफरेंट प्रकार का मैं आपको टेक्सचर बता रही हूँ, उसके लिए इतना थिकनेस होना ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं। नाउ ये तो हो गया एक, एंड देन नेक्स्ट। ओके, नाउ अभी क्या करना है, सेम पेस्ट को मैंने इसी की तरफ से, मैं अब अपना, अगर आपके पास इस तरह का नाइफ नहीं है ना तो आप इस तरह का पैलेट नाइफ भी आता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल होता है या स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है, उससे भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बहुत अच्छे से ये देखिए स्मूथली एक जैसा आपका सब तरफ रहेगा, ठीक है। ओके, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, जो भी है आप उसका यूज़ करो। अगर आपके घर में पैलेट नाइफ नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप नाइफ से करो, ठीक है। सबके किचन में, हम लेडीज़ के सबके किचन में नाइफ होते हैं, बहुत सारे नाइफ ऐसे होते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो उनको आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए, अभी मुझे इसमें एक डिफरेंट टेक्सचर देना है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो डिफरेंट क्या है। आप सबके यहाँ एप्पल्स आते हैं या कुछ ऐसा हार्पिक वगैरह आते हैं, तो इस तरह के आपके घर में ये इस तरह का नेट आता होगा, यू नो इस तरह का जो नेट आता है उसका यूज़ कर सकते। ये देखिए, ये ऐसा नेट आता है, अगर ये वेस्ट है और आप इसका कोई ऐसा यूज़ नहीं होता तो इसको आपको फोल्ड करना है, और कुछ नहीं करना है, ऐसे फोल्ड करके जस्ट यू हैव टू, देखिए मैं यहाँ पे जूम करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आपको दिखाई देगा कि इसमें उसके जो है टेक्सचर्स आ रहे हैं। सी, कुछ नहीं कर रहा है मैंने, यहाँ पे ऐसे प्रेस करके ऐसे उठा देना है, फिर यहाँ पे प्रेस करके ऐसे उठा देना है, ठीक है। ये देखिए, ऐसा तब तक करना है, थोड़ा सा हल्का ड्राई ना हो जाए तब तक आप करिए। तो ये जो है ना, ठीक है, तो ये एक डिफरेंट टाइप का आपका टेक्सचर बन जाएगा। अदर देन आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसे इस तरह से रख कर छोड़ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रख के छोड़ दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, और फिर इसे आप रिमूव कर दीजिएगा। ओके, अगर आपकी जो है इसकी जो टेंडेंसी है थोड़ी सी, आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा आपको इसको थिक रखना है तब, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, हम इसे थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि इसका जो है जो शेप है अच्छे से आ जाए, अच्छे से टेक्सचर वर्क आ जाए, ठीक है। तो मैं इसे एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देती हूँ। ये देखिए, हाथ मत लगाइएगा बार बार, अदरवाइज़ आपके जो थंब प्रिंट्स हैं वो उसमें आ जाएंगे। ओके, इस तरह से करके आप इसे छोड़ दीजिए। तो ये एक प्रकार का आपका जो है टेक्सचर वर्क हो गया, जो फर्स्ट मैंने बताया था वो, एंड देन दिस वन। नाउ
अभी एक्चुअली आपको मुझे ड्राई करके बताना है, तो मैं फ़ैन के सामने रख रही हूँ। अदर देन आप इसे पूरे टाइम फ़ैन पे मत रखिएगा, ठीक है। तो ये एक हो गया, देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसे अभी रिमूव नहीं कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसे हल्का सा सेट होने दीजिए और फिर हम इसे रिमूव कर देंगे। देन नेक्स्ट वर्क, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसे क्या है, इसे आगे कर देती हूँ। फॉर माई नेक्स्ट टेक्सचर वर्क, अभी मेरा यहाँ पर 3 पार्ट्स और हैं, तो मैं आपको डिफरेंट आपको करके बताऊँगी। अभी अब जो मैं लेने वाली हूँ उसके लिए मुझे थोड़ा सा और थिकनेस चाहिए, तो मैंने इसी में ही, देखिए मैंने फर्स्ट वाले में ज़्यादा लिक्विड लिया, देन थोड़ा थिक किया, एंड अभी फिर थोड़ा सा थिक कर रही हूँ मैं। ओके, ये देखिए, ये देखिए, ये इतना थिक है कि ये इजीली नीचे ड्रॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, ताकि मुझे वो आप जब भी शेयर करेंगे तो मुझे लगे कि आपने शेयर कर दिया है। सो प्लीज़, ओके, ये देखिए इसमें कोई लम्स नहीं है, ओके, स्मूथ। अब मैं इसे यहाँ पर रखती हूँ, एंड नाउ और इसे अच्छे से, एंड लास्ट में जो मैंने ओमकारा के लिए सेलेक्ट किया है जो टेक्सचर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने लिया है टेक्सचर उसमें आपको करना है या इसमें करना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो थोड़ा सा डिफरेंट भी बनेगा लोगों का, हर किसी का एक जैसा नहीं आएगा, जिसको जो टेक्सचर अच्छा लगे उसमें वो बनाए। ओके, ये देखिए, मैंने इसे भी फैला लिया है। अब नेक्स्ट टेक्सचर वर्क, ये देखिए, एक मेरे पास एक नेट है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़े से डिज़ाइन फॉर्म है। ये देखिए, इस तरह का कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें आपको डिज़ाइन समझ में आ रही है या किसी में इस तरह का एम्बॉस्ड वर्क हुआ है, वैसा आप ले सकते हैं। या बहुत सारे मोल्ड्स आते हैं, या किसी कैप पर जैसे हमारी क्रॉकरीज आती हैं उनमें भी बैक साइड में बहुत सारे वर्क होते हैं। तो यूजुअली आपके घर में जो मटेरियल है ना, आप उसे यूज़ करके इस तरह का टेक्सचर दे सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक कॉर्नर पे आपको बता देना, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताऊँगी। जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेट किया है, क्योंकि ये वॉश हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी कोई चीज़ ख़राब होगी। इसको आप पानी में आप डिप करके रखेंगे तो ये जो भी आपका टेक्सचर वर्क हुआ उसके बाद आप इसे रिमूव करेंगे ना, एंड वाटर में डिप करके छोड़ दीजिए, ये निकल जाएगा आपका, आपके ये जो मैट है जो, ये आपकी ख़राब नहीं होगी। ओके, पर आपको जो टेक्सचर वर्क चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, कुछ मुझे जिगजैग या कुछ इस तरह का चाहिए तो वो इसमें समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है, अभी ये एक हुआ। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट, आप सबके घर में कॉम्स होती हैं, सब ऑब्वियसली सभी कंघी करते ही हैं, ठीक है। तो हम उससे भी एक टेक्सचर बनाएंगे। ये मुझे हाफ पार्टीशन करना है, इसीलिए मैं इसे हाफ कर रही हूँ। ओके, ये अभी रिमूव करने पर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। ये सी, ये भी आ गया आपका, मैंने इसे रिमूव किया। अभी मेरा गीला है, आप चाहें तो थोड़ा देर और रुक जाइएगा तो इस तरह का टेक्सचर वर्क आएगा आपका। सी, थैंक यू रूपाली मैम, थैंक यू मधु मैम। ओके, तो ये देखिए इस तरह का टेक्सचर आएगा आपका। एक्रिलिक या ऑयल करने के लिए आपको जब माइल्ड टेक्सचर चाहिए और वो आपको देना हो, तब आप इस तरह का वर्क कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये थर्ड पैटर्न हुआ हमारा, थर्ड वाला ये रहा आपका, ठीक है। इसमें आपको ब्रश में भी प्रॉब्लम नहीं होती, जब भी हम पेंटिंग करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं फंस रहा है या बहुत ज़्यादा एम्बॉस हमें नहीं चाहिए, सिर्फ टेक्सचर देना है। तो आपको बहुत पतला वर्क कोट करना है, बहुत ज़्यादा हैवी कोट नहीं देना है। ओके, देन नेक्स्ट, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ सिंपली जो चीज़ों से आप बना सकते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से फॉर्म से भी आप बना सकते हैं।
ओके सही। इस तरह की कॉम्स होती है सभी के घर में, आप बड़ा ले सकते हैं या छोटा ले सकते हैं, कोई सा भी कॉम लेना है आप ले लीजिएगा। ओके नाउ दिस इज माई, ये देखिए अभी जो पेस्ट बचा, अभी हमने देखिए 2 स्पून लिया है और उसमें हमने कितना सारा टेक्सचर वर्क कर रहा है, ठीक है। वैसे भी ज़्यादा टेक्सचर करने में बहुत ज़्यादा आपका चॉक पेस्ट नहीं लगता और ना ही बहुत ज़्यादा फेविकॉल लगता है, क्योंकि हमें एक परत देनी होती है, बहुत ज़्यादा उसमें हाईली आपको एम्बॉस तो करना नहीं है, जस्ट टेक्सचर देना है तो आप उसमें कर सकते हैं। अभी मैं आपको पैलेट नाइफ से भी बता रही हूँ, तो जिनके घर में पैलेट नाइफ है आप पैलेट नाइफ का यूज़ करिए। ओके एंड जो भी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं प्लीज़ फुल्ली 3 डेज आप अटेंड करिए, क्योंकि बहुत कुछ इसमें सीखने मिलेगा आपको। ना सिर्फ आप एक पेंटिंग बनाएंगे, बहुत सारे ऐसे टिप्स जो आप पेंटिंग बनाते समय शायद स्किप कर देते हैं वो भी आपको अभी ये ओमकारा पेंटिंग के थ्रू आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके तो एक नाउ आप सबको दिख रहा होगा, ओके यहाँ पर भी जो टेक्सचर्स आपको जम रहा है वो टेक्सचर आप यूज करिए। आगे की तरफ ज्यादा प्रेशर रखेंगे, ओके सी। ये आप कोई भी पेंटिंग बनाते हैं उसमें आप बैकग्राउंड में अगर आपको देना है तो इस तरह का टेक्सचर आप इजीली दे सकते हो। ओके ये बैकग्राउंड के लिए है, ठीक है। नाउ एंड नाउ जो मैंने टेक्सचर दिया है अपने ओमकारा पेंटिंग में, अभी अब मैं वो बताने वाली हूँ आपको कि लास्ट में जो मैंने दिया है बेसिकली वो भी आप इसमें देखेंगे। आपके कोई भी क्वेरीज है या आपको किसी को डाउट है तो बिल्कुल आप अभी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ओके और ये जो हमारा टेक्सचर स्ट्रिप तैयार हो रही है इसमें भी मैं एक पेंटिंग ज़रूर आपको बना के बताऊंगी, जब ये ड्राई हो जाएगा तभी भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितना सुंदर आप एक वॉल हैंग तैयार कर सकते हैं। ओके डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स हैं और इसमें बहुत ही खूबसूरत एक वॉल हैंग बनकर रेडी होगा, जो मैं ज़रूर आपको इसी वर्क इसी प्लेटफॉर्म पर ज़रूर बताऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा गैपिंग छोड़नी नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे फिल कर दे रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसमें भी वर्क करने वाली हूँ इसके ड्राई होने के बाद। कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होना चाहिए, जो भी काम हम कर रहे हैं उसका यूज़ ज़रूर होना चाहिए, तो मैं इसमें भी आपको पेंटिंग करके ज़रूर बताऊँगी। ओके ये देखिए ये हो गया। नाउ अब आपको यूज़ करना है इस तरह का स्पॉन्ज, ये इजीली आपके घर में या मार्केट में या स्टेशनरी की शॉप में ये स्पॉन्ज बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। ये मैंने कई बार यूज़ किया है इसलिए मेरा थोड़ा कलरफुल हो गया है,
तो आप एक फ्रेश स्पॉन्ज भी ले सकते हो, ये कुछ नहीं है, गद्दियों में रहता है, सोफे की गद्दियों में भी लगा रहता है इस तरह का, ये सिंपल स्पॉन्ज है, इसमें कुछ भी नहीं यूज़ किया है। एंड कुछ नहीं करना है, जस्ट इसे इस तरह से टैपिंग देनी है। यही मैंने ओमकारा पेंटिंग के लिए इस टेक्सचर को सेलेक्ट किया था, और यही आपको अगर करना है तो आप इसी वाले इस टेक्सचर को आप यूज़ करेंगे। ये देखिए ये कितना सुंदर ये टेक्सचर तैयार हुआ है। ओके सुर, इस तरह का टेक्सचर वर्क आप ज़रूर करिएगा, ताकि आपको करने में भी मज़ा आएगा और आपने बहुत सारे इस तरह के आर्टिकल्स आप बना सकते हैं इस तरह का काम कर करके, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर। तो अब मैं आपको फुल जो हमने रेडी किया है वो मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू गायत्री मैम, गायत्री शर्मा मैम, शो योर बैंगल्स, दे आर ब्यूटिफुल टू। ओके दिस इज़ माई बैंगल, ये राधा रानी बैंगल्स है। ओके थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। चॉक पेंट नॉट देयर अदरवाइज विच वन कैन बी यूज, आपके पास चॉक पेस्ट नहीं है तो आप पीयूपी यूज़ कर सकते हो मैम, चॉक पेस्ट की जगह पीयूपी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके एंड ऑब्वियसली एम आर फेबिकॉल टू। तो अभी मैं आपको अपना पूरा टेक्सचर जो मैंने अपने पूरे स्ट्रिप में किया है मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके नाउ आई कैन शो यू कि ये कैसा दिख रहा है अभी। ओके नाउ थोड़ा सा मुझे इसे वो करना पड़ेगा। आई कॉन्ट रीड योर नेम मैम बिकॉज ऑफ आई थिंक इट इज रिटन ऑन डिफरेंट लैंग्वेज, सो सॉरी मैम। सी द टेक्सचर, I'll show you the texture. ये देखिए ये आपको पूरा textures मैं show कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए यहाँ से हमने beginning की थी, this is the first one texture and then second हमने जो net का use किया था, ये आपको तब remove, मैंने पहले remove कर दिया but आपको ये तब remove करना है जब हल्का सा dry हो जाए। okay एंड सेम एज़ दिस वन ऑल्सो, मैंने नेट निकाल दिया है क्योंकि मुझे आपको इसे दिखाना था, इसलिए अदर देर आप इसे तब रिमूव करिए जब हल्का सा ड्राई हो जाए। ओके दिस इज़ अ नेक्स्ट टेक्सचर एंड देन दिस इज़ द थर्ड वन एंड देन वी हैव यूज द कॉम। थैंक यू अमित सर एंड थैंक यू मैम, नाइस क्रिएटिव आइडिया, थैंक यू सो मच। ओके सो सी ये हमने कॉम का यूज़ किया था, ये वो टेक्सचर है एंड देन लास्ट जो मैंने ओमकारा में यूज़ किया है दिस इज़ दिस वन जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड प्रिपेयर करके रखा हुआ है। एंड सी ये ड्राई होने के बाद भी कोई भी चीज़ आपके उसमें नहीं आएगी और एंड बहुत प्यारा एक टेक्सचर तैयार हो जाता है। ओके सो दिस इज़ माई बोर्ड। ओके तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं, बहुत सारे टेक्सचर्स बना करके पेंटिंग्स को आप इसमें ट्राई कर सकते हैं एंड डेफिनेटली जब हमारा ये ओमकारा पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा आई विल डेफिनेटली टीच यू सम ऑफ द डिफरेंट वॉल हैंग विद द यूज़ ऑफ दिस स्ट्रिप। जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए, सो ये भी आपकी वेस्ट नहीं होगी, ये भी मेरी वेस्ट नहीं होगी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्योंकि इस तरह के कई बार ऐसे पीसेस हमारे बच जाते हैं जो यूज़ नहीं हो पाते, तो हमें उसे फुल्ली यूज़ करना चाहिए। ओके सो ये तो रही हमारी ओमकारा की, ओमकारा जो हम पेंटिंग बनाए, थैंक यू ज्योति। तो ये तो हमारे ओमकारा पेंटिंग के बारे में हुआ। अभी जो नेक्स्ट हमारा अपकमिंग वर्कशॉप आने वाली है, ये भी बहुत सारी बहुत बहुत ही अच्छी वर्कशॉप, जिन्होंने पोस्ट मेरा देखा होगा पेज पर उनको पता है, राखी मेकिंग एंड सौरा आर्ट जो है, जो पेंटिंग ट्राइबल आर्ट से रिलेटेड है, उड़ीसा ट्राइबल आर्ट से, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ मेरी पेड क्लासेस भी चल रही है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, पेड क्लासेस में बहुत सारा अभी बहुत अच्छा तंजोर चल रहा है हमारा, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि तंजोर का बहुत अच्छा काम अभी चल के रेडी हुआ, ये बना रहे हैं अभी हम तंजोर में। ओके सरस्वती जी बनने वाली हैं तंजोर में,
तो ये उसका एक है, जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं रखे हैं मैंने, जस्ट ₹800 है। तो अगर जिसको ज्वाइन करना है वो मुझे मैसेज पिन कर सकता है, मेरे मैसेंजर में भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसे एटलीस्ट 4 to 5 hours लगते हैं ड्राई होने में, ओके, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट अवर वर्क। तो ये जैसे ड्राई हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि साथ में मेरे साथ काम शुरू करना है, तो ये जैसे मेरा बोर्ड रेडी है, द फर्स्ट वन दिस वन, ये कुछ नहीं, मैंने नाइफ से ही किया, जब ये थोड़ा सा वेट था तभी मैंने इसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जस्ट इसे एक एक बार स्पैचुला जैसा ही उसे चलाया है, और कुछ ज़्यादा नहीं किया है मैम। ओके सुषमा मैम, थैंक यू नीलिमा मैम, थैंक यू सो मच एवरी वन, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड फॉलो माई पेज, दैट्स इट। ओके तो चलिए, अभी ये जो टेक्सचर है, ये जो आपका टेक्सचर है, ये मेरा ऑलरेडी रेडी है। तो मैं पूरा बोर्ड अपना यूज़ नहीं करूँगी, जितना मुझे यूज़ करना है मैं वही करूँगी। ओके जैसा आपने बहुत सारी पेंटिंग्स में भी देखा है कि मैं जो है मार्जिन छोड़ती ही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इसमें भी मार्जिन छोड़ूंगी मेरे ओंकारा पेंटिंग के लिए। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे बनाएंगे, जिन्हें ट्रेसिंग करना है वो ट्रेसिंग करेंगे, जिन्हें नहीं करना है वो डायरेक्ट जैसा मैं बनाऊंगी वैसा आप बनाइए। और सीरियसली बनाने में जो मज़ा आता है वो ट्रेसिंग में नहीं आता। तो मैं इसे देखिए स्केल लेकर के करूँगी। ओके तो मैं यहाँ पर जो है एक 1:1 स्केलिंग तो नहीं, बट हाँ उससे थोड़ा सा कम करके वो यूज़ करूँगी। ओके इसमें पेंसिल, मेरा स्टील वाला स्केल कहाँ है, आई हैव यूज्ड इट जस्ट अ मिनट। मैं आपको आज मार्जिन भी करके रेडी, क्योंकि ये मेरा ड्राई हो चुका है तो मैं इसे इजीली मार्जिन ले सकती हूँ, ताकि जिन लोगों को फ्रेमिंग कराना है तो आपका मार्जिन छूटा रहने से फ्रेमिंग कराना इजी हो जाता है। ओके ये थोड़ा सा 10x12 से बड़ा है, नॉट एग्जैक्टली 10x12, तो आप थोड़ा सा बड़ा, जिन्हें बड़ा बनाना है वो बड़ा बना सकते हैं। सावन का इतना खूबसूरत समय चल रहा है आज, वैसे भी सावन सोमवार है, तो आप बहुत ही अच्छा भगवान शिव की आराधना करके इसे बनाई है, तो आपको मन को भी बहुत शांति होगी। ऐसे बहुत लोग आज फास्टिंग भी रहते हैं, तो कौन कौन आज फास्ट है, मैं तो वैसे फास्ट हूँ। ओके तो फास्टिंग करने के साथ साथ जब हम आस्था के साथ ये काम करते हैं तो हमें ज़्यादा मज़ा आता है। ओके तो इस तरह का मार्जिन कर लेना है, और हम इनर स्पेस इनर एरिया पे ही पेंटिंग्स बनाएंगे। ओके तो कल, क्योंकि ये 3 दिन लगातार क्लास होगी, तब तक हमारा ये टेक्सचर्स भी जितना भी मैंने किया है ये सब ड्राई हो जाएगा, और फिर हम कल अपना वर्क शुरू करेंगे। तो टुमारो हम जो है पेंटिंग का वर्क काम करेंगे, एंड देन कलरिंग, एंड द लास्ट डे वी हैव टू डू द फिनिशिंग वर्क, क्योंकि एक्रेलिक में फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर्स मर्ज करके पेशेंस के साथ काम होना है, एंड एट द लास्ट वी हैव टू डू द वॉर्निश फॉर द फ्रेमिंग। तो आपको अगर किसी को फ्रेमिंग करवाना है तो फ्रेमिंग भी करवा सकते हैं। ओके सो इतना ही है आज की क्लास में, आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करिए, 3 दिन लगातार हमारा वर्कशॉप चलेगा, सेम टाइम सेम प्लेस एंड सेम MKN आर्ट ग्रुप। So thank you so much all of you, thank you for joining, okay, and please share your video, bye bye all of you. Thank you so much. तो ज़रूर इस तरह का टेक्सचर वर्क ज़रूर ट्राई करिए, एंड यू हैव टू सेलेक्ट वॉट एवर टेक्सचर यू वॉन्ट, यू कैन सेलेक्ट इट फॉर दिस पेंटिंग। ओके ओके ऑल ऑफ यू, बाय बाय।